ब्रेक में स्वागत है आप सभी का कर्नाटका एक्सप्रेस में। खबर आपको बता रहे हैं जहां विजयपुरा में तुअर की खरीदी को लेकर जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल 16 जनवरी 2019 से अब तक कुल 114 खरीदी केंद्रों में पंजीकरण कार्य प्रारंभ हुए हैं और किसान पंजीकरण कार्य 31 जनवरी 2020 तक चलने वाला है। साथ ही कहा है कि किसानों को पंजीकरण कराने में अगर कोई समस्या होती है तो वो संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। विजयपुर से जिला प्रशासन की ओर से कंथलगल हनुमंतराय में रंग मंदिर के राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और जिसमें तहसीलदार, जिलाधिकारी समेत आम लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान पढ़ाई और खेल के क्षेत्र में अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कार वितरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। विजयपुर में अल शहीद पीर मस्जिद की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और इधर बीजेपी पर पक्षपात का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा है कि नागरिकता कानून में सभी धर्म के लोगों के लिए संविधान हो, साथ ही उन्होंने CAA को वापस लेने की मांग की। विजयपुर के हिंदी तालुका के चिक्का बवनूर के गांव में युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जहां सोलापुर से बीजेपुर के लिए आ रही बाइक पर सवार तीन युवकों को चार पहिया वाहनों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सचिन निगप्पा नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल अन्य दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलुरु में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए अनूठी पहल की गई है। दरअसल जहां बैलतगढ़ी तालुका में सुपारी पत्तों से दोनों पत्तल बनाए जा रहे हैं और इन पत्तों को धूप में सुखाकर मशीनों के जरिए प्लेट में तब्दील किया जा रहा है, वहीं क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए ये उद्योग वरदान साबित हो रहा है, जिससे लोग खूब रुपए कमा रहे हैं। वहीं मंगलुरु में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था, जिससे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और संवारा हरीश नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और पिकअप में सवार अन्य लोग भी घायल हुए हैं। ये हादसा गढ़ तालुका के हत्याडख गांव में हुआ है। हुबली की लारी और टिप्पर के बीच में सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो वाहनों की टक्कर के बाद भयंकर आग लगी। ये घटना देवी गुप्पा के गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 63 पर हुई है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। लोकतांत्रिक युवा जनता दल संगठन की ओर से हुबली में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें युवा जनता दल के राज्य अध्यक्ष सलीम माधवोर ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया और कहा कि इस कानून में सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया गया है, जो कि एकदम गलत है। साथ ही कहा कि हमने इस कानून के विरोध में अपनी आवाज उठाई है, अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम जन आंदोलन करेंगे। हाथिका में हमारा विरोध प्रदर्शन संविधान में जाने के लिए, एक धर्म को नागरिकता मिलने के लिए नहीं है। एक धर्म को धर्म नागरिकता मिलेगा, जो असम में 90 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिला है, कारण क्या है? वही लोगों को सर्टिफिकेट नहीं है। बेंगलुरु ग्रामीण जिला के अंतर्राज्य हवाई अड्डे के पास में देवनहल्ली तालुका के कस्बा होबली के अन्नेश्वर ग्राम पंचायत कार्यालय के मैदान में पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मुरली की अध्यक्षता में 2018-19 के वार्षिक जमाबंदी कार्यक्रम हुआ। ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ
कलबुर्गी में डॉक्टर मंजुनाथ दोशेट्टी और जीवन सार्थकता संस्था नोडल अधिकारी डॉक्टर रुद्रवाणी ने एक घायलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महिला और एक अन्य जो के तल्लूर गांव में शिवम्मा जगदेप्पा की रहने वाली है, उन्हें डॉक्टरों के निर्देश पर चिरायु अस्पताल में रेफर किया गया, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने सफलतापूर्वक उनका इलाज किया। सीए का समर्थन करते हुए कलबुर्गी वैद्य संघ और नर्स संघ ने प्रदर्शन किया और कानून का विरोध कर रहे लोगों को कानून के बारे में समझाइश देते हुए रैली निकाली, जिसके बाद शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल पर प्रदर्शन कर रैली को खत्म किया और सरदार पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध किया, जिसमें उन्होंने प्रबंधन पर गंदा खाना खाने देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कुलपति को ज्ञापन देकर हॉस्टल के वार्डन को बदलने की मांग की है। वहीं बेलागावी के चिकौड़ी तालुका में हर साल की तरह इस बार भी श्री क्षेत्र यदूर वीर भद्रेश्वर स्वामी जी के यात्रा उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और श्री मटकों का दान किया गया और इसके अलावा इस यात्रा कार्यक्रम में निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों को विश्व चेतना पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ 2008ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇ ಜಯನುಗೋಪ್ಪ ಕೆ ಆನಂದ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಕಾ 70ವಾ ಜನ್ಮದಿನ ಬಡಿ ಧೂಮಧಾಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮನಾಯಾ ಗಯಾ. ಇಸ್ ಮೌಕೆ ಪರ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಣ ಭಿ ಕಿಯಾ ಗಯಾ, ಸಾಥ್ ಹಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತಾಲೋ ಮೇ ಮರೀಜೋ ಕೋ ಫಲ್ ಬಾಟೆ ಗಯೆ. ಜನ್ಮದಿನ ಮನಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿ ನಹೀ ಬಲ್ಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇ ಭಿ ಹಜಾರೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಭಕ್ತ ಆನಂದ ಆಶ್ರಮ ಪಹುಂಚೆ. कौपल के कनकगिरी से बसवराज धड़े सुगुर का आयोजन आपकी जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि विदेश सचिव पद के लिए वो मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं देना चाहते हैं। उनके बता दें कि इस विशेष क्षेत्र की मिट्टी में ऐसी शक्ति होती है जो यहाँ जीतता है वो मंत्री हो जाता है। और बसवराज ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वह उसे निभाएंगे। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಾರ, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಾನ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಥಾನ ಕುಮಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ 16 ಮಂದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಇನ್ನೂ ಶಾಸಕರು. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कौपल के कवि सिद्धेश्वर कॉलेज मैदान पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें 6,000 से ज्यादा छात्रों ने मानव संकड़ी बनाई है, जिसमें छात्रों ने लोगों को जागरूकता के प्रति एक कार्यक्रम रखा है। इस दौरान जिलाधिकारी सुनील कुमार ने मतदान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम जिला प्रशासन और जिला स्वीप समिति ने किया था। ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾವಿ ಪೌರರಾದ ನೀವು धारवाड़ तालुका के धुम्मवाड़ गांव में सरकारी प्राथमिक और ओढ़ शाला में पुराने छात्रों के साथ गुरु वंदना कार्यक्रम किया गया, जिसमें यश जी उनकी कौप ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में गुरुओं को सम्मानित भी किया गया। धारवाड़ के आलुरू वेंकटराव सभा का भवन विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर बनी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जिला के विविध स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं साहित्यकार और आम नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बल्लारी के सरगुप्पा नगर में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। अनिल कुमार हनुमंतम्मा डिग्री कॉलेज में बी कॉम का छात्र था। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद अनिल को रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हुई। हुबली में श्री नर्वदेश्वर धाम सेवा की समिति के तत्वाधान में एक विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तगण शामिल हुए। यात्रा में 1100 महिलाओं ने कलश उठाया। शोभा यात्रा और कलश यात्रा की शुरुआत रीतरा नगर पालिका के 18 नंबर वार्ड के सुभाष नगर इलाके के कनौड़िया मठ स्थित नव निर्मित मंदिर से हुई और 1.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा हुगली नदी के तट पर समाप्त हुई। बुलेटिन में कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।